बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम FSC फिज़िक्स पार्ट वन के प्रीवियस बोर्ड पेपर को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो पेपर है वो 2018 ग्रुप वन आज़ाद कश्मीर बोर्ड से है। हमारा फर्स्ट MCQ जो है वो चैप्टर नंबर 6 से है। टू फॉग ड्रॉपलेट आर इन फ्रीली फॉलिंग कंडीशन, द रेशियो ऑफ देयर रेडियस इज 2:3, द रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटी विल बी 2:3, 4:6, 4:9 या 9:4। तो रेशो इन देयर रेडियस इज 2:3। द फार्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी VT इज इक्वल टू 2gr²ρ/9η। तो फॉर द वैल्यू ऑफ रेडियस 2, रेडियस की वैल्यू 2 होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी r² 4 टाइम हो जाएगी, VT जो है वो 4 टाइम हो जाएगी। और फॉर द रेडियस 3, जब रेडियस 3 होगा तो r² 3² 9, तो टर्मिनल वेलोसिटी है जो 9 टाइम हो जाएगी। तो रेडियस 2 4 टाइम, तो रेडियस 3 9 टाइम, तो टर्मिनल वेलोसिटी की जो रेशियो वो 4:9 होगी। तो नंबर सी ऑप्शन 4:9 करेक्ट होगा। नंबर 2 चैप्टर नंबर 7 से है। द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑस्किलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम इज 2 सेकेंड। इफ़ द स्प्रिंग इज कट इंटू 2 equal parts एंड 1 spring इज सेट फॉर ऑस्किलेशन विद द सेम मैस, द न्यूली टाइम पीरियड विल बी 4 सेकेंड, 2 सेकेंड, √2 सेकेंड, 1/√2 सेकेंड। टाइम पीरियड जो है एक स्प्रिंग मास सिस्टम का वो 2 सेकेंड है, टी जो है वो 2 सेकेंड है। अगर स्प्रिंग को इन 2 पार्ट में कट कर दिया जाए, इन 2 equal parts में कट कर दिया जाए और 1 पार्ट के साथ सेम मैस को हंग किया जाए, तो अब जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इज टू 2 pi मास स्प्रिंग सिस्टम m/k√। तो 2 पार्ट्स के लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट k जो होगा वो 2 टाइम होगा, तो 2 pi m/2k√। तो टी प्राइम जो है वो 1/√ इंटू 2 pi m/k√। तो टी प्राइम जो है वो 1/√ ऑफ टी होगा। तो हमारे पास जो नंबर डी ऑप्शन है 1/√2 करेक्ट होगा। नंबर 3 चैप्टर नंबर 8 से है। द प्रोसेस फॉलोड बाई न्यूटन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोहरिक। तो स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड करने के लिए न्यूटन ने जो फार्मूला, जो प्रोसेस यूज़ किया था वो था एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ही फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, तो कांस्टेंट टेम्परेचर जो है जिस पर टेम्परेचर चेंज ना हो उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो नंबर बी ऑप्शन आइसोथर्मल प्रोसेस करेक्ट होगा। नंबर 4 चैप्टर नंबर 8 से है। इन स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive nodes और एंटी नोड इज लैम्डा, λ/2, λ/4, 2λ। स्टेशनरी वेव के अंदर 2 लगातार नोड या एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो λ/2 है। तो नंबर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 से है। एग्जाम्पल ऑफ थिन फिल्म इज सो बबल, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ग्लास प्लेट। थिन फिल्म की जो एग्जाम्पल है वो सो बबल है, तो नंबर ए ऑप्शन सो बबल करेक्ट होगा। नंबर 6 चैप्टर नंबर 9 से है। विच फेनोमेना प्रूव डैट लाइट वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिस्पर्शन। तो इनमें से कौन सा अवामल जो है ये प्रूव करता है कि लाइट वेव की नेचर ट्रांसवर्स है? तो बाई द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन जो है ये फेनोमेना जो है ये प्रूव करता है लाइट की नेचर ट्रांसवर्स। तो नंबर सी ऑप्शन पोलराइजेशन करेक्ट होगा। नंबर 7 चैप्टर नंबर 10 से है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस विद इन फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, इट्स इमेज फॉर्म इज रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के अंदर रखते हैं तो उसका जो इमेज होगा वो किस शेप का होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट? तो जब ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकल लेंस ऑफ लेंस रखते हैं तो उसका इमेज जो है वो वर्चुअल बनता है। नंबर सी ऑप्शन वर्चुअल करेक्ट होगा। नंबर 8 चैप्टर नंबर 11 से है। इफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम देन इट्स एंट्रोपी विल इंक्रीज एंड पॉजिटिव, डिक्रीज एंड पॉजिटिव, इंक्रीज बट नेगेटिव, डिक्रीज बट नेगेटिव। तो जब किसी सिस्टम को हीट दी जाती है तो उसकी एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है और ये चेंज पॉजिटिव होती है। तो नंबर ए ऑप्शन इंक्रीज एंड पॉजिटिव करेक्ट होगा।
नंबर 9 चैप्टर नंबर 11 से है, द कॉर्नर साइकिल कैन बी शोन बाय अ ग्राफ बिटवीन वी टी ग्राफ, पी टी ग्राफ, क्यू टी ग्राफ या पी वी ग्राफ। तो कॉर्नर साइकिल जो है वो किन दो क्वांटिटीज के दरमियान है, वो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान है। तो नंबर डी ऑप्शन प्रेशर एंड वॉल्यूम करेक्ट होगा। नंबर 10 चैप्टर नंबर 1 से है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.00407 आर 2345। तो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है वो 1, 2, 3 है। तो नंबर बी ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नंबर 11 चैप्टर नंबर 1 से है, द डायमेंशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई एल ओवर एम इज सेम एज डैट ऑफ स्पीड, टेंशन, एक्सेलरेशन या टॉर्क। इस फैक्टर की जो डायमेंशन है वो किसकी डायमेंशन के इक्वल होगी, एफ मल्टीप्लाई बाई एल ओवर एम। तो फोर्स इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ मीटर और मास किलोग्राम अंडर रूट, किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल मीटर पर सेकंड, दिस इज इक्वल टू द स्पीड। तो नंबर ए ऑप्शन स्पीड करेक्ट होगा। नंबर 12 चैप्टर नंबर 2 से है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर, द रिजल्टेंट इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट, 36 प्लस 64 अंडर रूट, 100 अंडर रूट इज इक्वल टू 10। तो नंबर डी ऑप्शन 10 न्यूटन करेक्ट होगा। नंबर 13 चैप्टर नंबर 2 से है, आई जे एंड के आर द 3 यूनिट वैक्टर, दैन आई डॉट जे क्रॉस के इज इक्वल टू के यूनिट वैक्टर, जे यूनिट वैक्टर 1 या -1। तो जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई एंड आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। तो ये फैक्टर जो है जी इक्वल टू 1 होगा। तो नंबर सी ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नंबर 14 चैप्टर नंबर 3 से है, अ बॉल इज थ्रोन अप एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल विद द स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ द बॉल एट द हाइएस्ट पॉइंट विल बी 14 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड। तो एट द हाइएस्ट पॉइंट जो है वो बॉल रेस्ट पे होगी और रेस्ट पे उसकी स्पीड 0 होगी। तो नंबर बी ऑप्शन 0 मीटर पर सेकेंड करेक्ट होगा। नंबर 15 चैप्टर नंबर 4 से है, अ स्टोन ऑफ मास 2 kg इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर एट अ हाइट ऑफ 40 मीटर, वट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी 10 मीटर बिलो द टॉप, 19.6 जोल, 1960 जोल, 600 जोल, 196 जोल। तो अ बॉडी अ मास 2 kg ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, वट विल बी द इट्स काइनेटिक एनर्जी एट हाइट 10 मीटर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। हेयर इनिशियल स्पीड जो है वो 0 है और फाइनल स्पीड जो है वो v के इक्वल होगी। एम जी एच वन माइनस एम जी एच टू इज इक्वल टू 1/2 mv². एम कॉमन, जी एच वन माइनस जी एच टू 1/2 mv², एम कैंसिल। तो वी स्केयर इज इक्वल टू 2 × g h1 - h2। तो वी स्केयर इज इक्वल टू 2 g की वैल्यू 10, h1 40, h2 10, 20 × 30। तो वी स्केयर इज इक्वल टू 600। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². तो 1/2 × 2 × v² 600। तो काइनेटिक एनर्जी 600 जोल होगी। तो हमारे पास तो नंबर सी ऑप्शन 600 करेक्ट होगा। नंबर 16 चैप्टर नंबर 5 से है, अ बॉडी इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल बाय द स्ट्रिंग, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मिनिमम एट द टॉप बॉटम, मिड पोजीशन बिटवीन टॉप एंड बॉटम रिमेन सेम। बॉडी जब एक वर्टिकल सर्कल में मूव करेगी तो उसकी टेंशन जो है वो मिनिमम होगी एट द टॉप पोजीशन, क्योंकि इस सूरत में बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और टेंशन डाउनवर्ड एक्ट करेगी। तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो टेंशन जो है वो मिनिमम होगी। तो नंबर ए ऑप्शन टॉप करेक्ट होगा। नंबर 17 चैप्टर नंबर 5 से है, अ मैन ऑफ वेट 1000 न्यूटन इन ए स्टेशनरी लिफ्ट, इफ द लिफ्ट मूव अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 m/s² देन इट्स वेट बिकम 1000 न्यूटन, 2000 न्यूटन, 3000 न्यूटन या 0 न्यूटन। तो अगर बॉडी अपवर्ड मूव करती है तो उसमें जो टेंशन टी होगी वो W+ma
हेयर उसका जो वेट है वो 1000 है, तो उसका जो मास होगा W इज इक्वल टू एम जी, एम इज इक्वल टू W ओवर जी, तो मास की वैल्यू जो है वो 1000 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 10, तो मास जो है वो 100 किलोग्राम होगा, और उसका वेट जो है वो 1000 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलेरेशन 10, तो 1000 प्लस 1000 उसका वेट जो है वो 2000 न्यूटन होगा। तो नंबर सी ऑप्शन, बी ऑप्शन 2000 न्यूटन करेक्ट होगा।